हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मालिक का हुक्म मिले और सेवक हाजिर ना हो दुर्भाग्य से। मगर ये बही खाता किस लिए उठा के लाए हो? मालिक मेरा चुकता नहीं कर रहा है दुर्भाग्य से। देखो मालिक, अब तो सूद भी मूल से ज्यादा बढ़ गया है। अब तो मेरा कल्याण कर ही डालो दुर्भाग्य से। नाराज हो गए मालिक। हमें और रुपया चाहिए और वो भी आज ही। 5,000, पूरे 5,000, समझे? मालिक आपका बाल बाल आगे ही मुझ पर गिरवी पड़ा हुआ है दुर्भाग्य से। अब और रुपया किस चीज पर मांगते हैं आप? हमारी जुबान पे। माफ करना मालिक, बड़े आदमियों की जुबान का मुझ पर भरोसा नहीं रहा। आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, परसों रात हमारे जन्मदिन का जश्न है। मुजरा होगा, जश्न होगा। मालिक, क्यों मेरे गाढ़े पसीने की कमाई लुटाने पर तुले हुए हैं आप? आपकी तो दो घड़ी की मौज हो जाएगी मालिक, लेकिन मेरे प्राण निकल जाएंगे। छोड़िए आप तो ये पीने पिलाने और रंडियां नचाने का धंधा। बाके, तुम बनी हो या लीडर, हमें समझाने चले हो? जागीरदार साहब, जब रकम डूबती हुई नजर आती है तो बनिया दो ही काम करता है। पहले तो समझाता है, और अगर तुम्हारी तरह कोई ना समझे तो उसे कोर्ट कचहरी की सीट कर ले जाता है। हमारे मुल्क क्या, हमें कोर्ट कचहरी में घसीटने की धमकी देते हो? जागीरदार साहब, मैंने कई बार रकम चुकाकर तुम्हारे घर की इज्जत बचाई। आज तुमने घर बुलाकर अपने मेरी इज्जत को अपने पांव तले रौंदा है। याद रखना, मेरा नाम भी बंके है। मुझे कसम है इस रोजी की जागीरदार, अगर तुम्हारी जमीन हवेली दो टकल ना बिकवाती है तो जाओ। जो जी में आया वो कर। जागीरदार जाओ। याद रखना, तुमने सत्य देखा मुझे निकाला। याद रखना। जागीरदार दिलावर सिंह, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। बहुत अच्छा सर। चलिए, आपको सरदार ने बुलाया है, ठहरिए। माफ कीजिए, यहां का यही रिवाज है। जागीरदार साहब, कैसे रास्ता भूल गए? ईद का चांद हो गया यार। भीम सिंह, फिर पैसे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। कलवा, समझ गया सर। तो फिर कुछ हो जाए, लीजिए प्यास बुझाइए। नहीं, अब हमारे प्यास शराब से नहीं, अब तो किसी के खून से ही पूछेगी। ऐसी कौन सी बात है? कौन है वो? हमारे गांव का ही बनिया बांकेलाल। उस कुत्ते ने हमें बहुत जलील किया, गाली दी, हमारे मुंह पे थूका। आपकी शान में गुस्ताखी करने वाले का सर कुचल दिया जाएगा, जबान खींच ली जाएगी।
भीम सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद है। हम चाहते हैं जिस दौलत के बलबूते पर वो इतना अकड़ रहा है वो दौलत उससे छीन ली जाए, कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज किया जाए उस पाची को। आज तक आपका कौन सा हुक्म टाला गया है? आपके इशारों पर सब अमीरों को लूटा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने तो कसम दे रखी थी कि अपने गांव को नहीं लूटेंगे। हाँ, और आज हमें उसे तोड़ रहे हैं। उस सांप का सर जल्दी न कुचला गया तो वो हमें टस लेगा, हमें बर्बाद कर देगा। तो फिर आज रात को? नहीं, आज रात को नहीं, परसों रात को। परसों रात को हमारे हवेली में जश्न होगा, गांव के तमाम बड़े बड़े लोग वहां आ जाएंगे, यहां तक कि गांव का कोतवाल भी हमारा मेहमान होगा। और फिर ठीक है, लेकिन भगवान ना करे अगर मैं पकड़ा गया तो? हमारा पुराना वायदा कायम है, हम अपनी पूरी जागीर लगा देंगे तुम्हारे लिए। तो फिर 5,000 हमारी तरफ से भी लेते जाइए, जश्न में हमारा हिस्सा भी तो होना चाहिए। 5,000 तो वो ऐसे मांग रहा था जैसे मेरे घर में नोटों का पेड़ उगा हुआ है। सेठ जी, आप भी कहां 5,000 के चक्कर में पड़ गए, किस गधे ने 5,000 मांगा? मेरा सवाल तो सिर्फ 5 रुपए का है, 5 रुपए का। अरे यार, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, तेरे सेठ की बात कर रहा हूँ। अगर दिन को दिए ना जला दिए तो मेरा नाम बांकेलाल, बाप का नाम टंकेलाल न कहना। समझना सेठ जी, आप भी कहां बाके और टाके के चक्कर में पड़ गए। तुम सेठ का लीलाम करवाओ चाहे उसके हवेली का हलवा जलाओ, मुझे इससे क्या, मुझे तो सिर्फ 5 रुपए चाहिए। अरे पावरे, 5 रुपए में क्या घर बच जाता है? हाँ सेठ, घर बचता है, अपना चंदन है ना चंदन, वो हाँ उसके पास एक मुरली है। मुरली? हाँ मुरली, अरे उसकी मुरली की तान घाट पर गूंजी कि गांव की गोरियां मस्त होकर अपना मटका फोड़कर उसके पीछे दौड़ी। सत्या? हाँ, और सुनो सेठ, अपना मुंशी दयाराम है ना, उसकी भतीजी है ना भतीजी, उसके ऊपर उसने ऐसा जादू डाला कि वो अपनी सुदबुद खोकर उसके नाम की माला जपती है, चंदन 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 चंदन। माल है रघुवीर? हाँ सेठ जी, मैंने चंदन से सौदा कर लिया है। क्या? हाँ सेठ जी, तुम मुझ पर दया करो और मुझे सिर्फ 5 रुपए दे दो ताकि मैं उससे बंसरी खरीद लूं और अपना घर बसा लूं। मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, तुम्हारी क्रिया के काम आएंगे। शुभ काम है? क्या मेरा मतलब है, तुम्हें दुआएं देंगे। कुछ 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 ठीक है ठीक है ठीक है रघुवीर, ठीक है ठीक है, मैं भी दिलवाला हूँ। ये ले 5 रुपए, जल्दी दिल कहाँ गए यार, उधर 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 देख लिए, बहुत कमीना आदमी। ये ले 5 रुपए, देख ना मैं तुझसे सूद लूंगा ना असल। तो फिर क्या लोगे? एक काम करना। वो क्या? जब तेरा काम हो जाए ना तो ये मुरली मुझे दे देना। मुरली? और तुम्हें सेठ जी, तुम मुरली का क्या करोगे? मैं भी ट्राई मार लूंगा, शायद बुढ़ापे में मेरा घर बच जाए, फिर जो बच्चे होंगे मैं तो मरी जाऊंगा, मैं तुझे दे दे। अरे ठहरो सेठ जी ठहरो, 3 और 3 6। नहीं सेठ जी नहीं, तुम अपने बच्चे अपने पास रखना, मैं अपने बच्चे अपने पास रखूंगा। ठीक है ठीक है, समझे? ठीक है, मुरली देना भूलना। हाँ मैं मुरली दे देना रघुवीर, धंधे में खोट अच्छी नहीं। नहीं मैं तेरे भरोसा मुरली दे दूंगा, मुरली दे देगा, मेरा घर बच जाएगा, है मुरली बजाऊंगा, कोई फंस जाएगी बुढ़ापे में बच्चे। अरे चंदन भैया, हाय चंदन भैया, चंदन भैया की जय हो, चंदन भैया की जय हो, चंदन भैया लो 5 रुपए, निकालो मुरली जल्दी से। क्या बात है, कुछ बात बनी? बात तो अब बनेगी चंदन भैया, जैसी मुरली मेरे होठों पे लगेगी मेरी मोहिनी नाचेगी छम छमा छम छम छमा छम। अरे वाह, तुम तो नाचते भी बहुत अच्छा हो। ये लो मुरली, और देखो इसके सुर अच्छी तरह से लगाना, कहीं ऐसा ना हो के। अरे तुम चिंता मत करो भैया, दिल जलो के सुर पंचम में लगते हैं। अच्छा मैं चलूं, जल्दी में हूँ। अरे सुनो, ये गट्ठा तो उठवा दो। अरे ना बाबा ना, मेरे पास समय नहीं है और मेरी मोहिनी राह देखती होगी, तुम जवाब मत, उठा लो गट्ठा उठा लो। अरे बड़ा अजीब आदमी है। अरे गौरी, अरे गौरी तुम हवा में कैसे पहुंच गई? सुनी ये सब क्या? उतारो मुझे नहीं तो मार दूंगी। ठहरो, अरे मैं कुछ करता हूँ, थोड़ा ठहरो तुम। हाँ जल्दी करो, उतारो मुझे। ठहरो, मेरी मैया, तूने तो मेरी टांग ही तोड़ दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे तुम
फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे। तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है। छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का। अरे रेखा, तुम यहाँ गौरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, उधर माँ पेट के दर्द से तड़प रही है। लेकिन तुम माँ को कहोगी तो नहीं? क्या यही कि मैं गौरी के साथ? माँ को साफ पता है, तुम जल्दी चलो चलो। कहाँ है वो जी? कहाँ है जी? वो वैद्य जी के पास गया हो। माने ये लो, दो दो घंटे के बाद एक खुराक देना, दर्द वर्द सब दूर हो जाएगा। वैद्य जी आप जरा चलकर देख लेते तो बहुत अच्छा होता। अरे हमारे जाने की क्या जरूरत है, और फिर हम तो ऐसा वैदिक पड़े हैं कि बेटे की शक्ल देखकर और उसकी नब्ज टटोल कर उसकी माँ को क्या तकलीफ है ये पता लगा लेते हैं। जाओ दवाई ले जाओ, भगवान सब ठीक करे। कमीने, नहीं मानता तुम, नहीं मानेगा मुझे। आ,
चंदन चंदन क्या कर रहे हैं? हंटर छोड़ दे, छोड़ दे, सरकार के मुंह नहीं लगा करते, हंटर छोड़ दे। माफ कर दीजिए सरकार, बच्चा ना समझ। ठीक है भाई जी, आपके कहने से छोड़ देता हूँ, मगर कह दो इससे अगर हमारे मुंह लगा तो खाल उधेड़ लूंगा इसकी, समझे? कमीना कुत्ता। चंदन बेटा, हाँ, हमारी क्या मजाल जो हम इन जागीरदारों का मुकाबला कर सके। हम तो इनके जुल्म सहन करते आए हैं, सहते रहेंगे, लेकिन अब सहन नहीं होंगे। वै जी जुल्म इतना अंधेर, उसमें जागीरदार को कोई रोकने वाला नहीं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मोल लेने की ताकत किसमें है बेटी? जमाना बदल रहा है काका, जागीरदार तुम्हारी सुनता है, उसे समझाओ कि अब इंसानों को कीड़े मकोड़े समझने के दिन गए, अगर चंदन उस पर हाथ उठा बैठता तो। सो तो ठीक है बेटी, भला अकेला चंदन क्या कर सकता है, और अगर जागीरदार साहब ने अपनी जमींदारी से उसे निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगा? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, जो जन्म देता है वो खाने को भी देता है। क्या बात है बेटी, तू भी आजकल चंदन की बोली बोलने लगी है। ओह समझा, वैसे चंदन कोई बुरा लड़का नहीं। अच्छा बेटे मैं चला, जागीरदार साहब के यहाँ पार्टी है, उनका जन्मदिन है, मुजरा होगा, सारा इंतजाम मुझे करना है। Thank you.
ज्यादा आवाज में गोली मार दी। मेरे पास नहीं है। डाकू भीम सिंह से उसके खुफिया अड्डे का पता करने की कोशिश कर रही है जी, लेकिन वो कमबख्त कुछ बोलता नहीं, हर बात से इनकार कर रहा है। तो माई बाप इसका मतलब मेरा माल मर जाएगा? मेरा माल मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा माई बाप, मेरी दुनिया घूम जाएगी। तुम्हारा माल मर जाएगा या जी जाएगा ये सब बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन तुम अब क्या मरे जा रहे हो? काम करो जी। गंदा तरीका। मैं चलूं सरकार? हाँ तुम भी जाओ, लेकिन देखो जिस दिन अदालत से गवाही के लिए सामान आए तो आना ना भूलना। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ ठहरो ठहरो जी, मैं तो भूल ही गया था। देखो पुलिस की तरफ से तुम्हें ये बंदूक इनाम में दी जाती है। अच्छा, मैंने सुरेंद्र साहब से कहकर इसका लाइसेंस तुम्हारे नाम बनवा दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कोतवाल साहब, मुबारक तुम्हें हो। बहुत बहुत। चंदन, अरे ओ चंदन, आज तो सारा गाँव तेरी ही बहादुरी के गुनगा रहा है। तूने तो बड़े डाकू को गिरफ्तार करवाया। अरे डाकू तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन हम लुट गए, अब तो हमें अपना भी होश नहीं। लगा है
मोहिनी मुरली, फूंक दे मेरे मोहिनी पे ऐसा मोहिनी मंत्र। तेरे सीने में जितने छेद है उतने मेरे दिल में है। बजाओ तुझे बजेगी। अरे ऐसे सुर निकालना, ऐसे सुर निकालना कि जिसे सुनकर मेरी मोहिनी अपनी लोग लाज को त्याग कर और अपने भाई बड़ाइयों की परवाह न कर कर मेरे पास सीधे चले आए। बजाता हूँ, बजेगी ना? अरे भैंस कन्या जी, तुम्हें किसने बुलाया था? अरे कौन सा गलत सुर छेड़ दिए तूने? आए मेरी प्यारी मुरली, ऐसे सुर निकाल जिससे गौरी और चंदन का मिलाप हुआ था। वो लोग अभी अभी प्रेम गीत गा रहे थे। हाय राम, मेरी किस्मत कब पलटी खाएगी? मेरा हाथ कब मोहिनी के हाथ में होगा और मोहिनी का हाथ मेरे हाथ में कब होगा? मोहिनी, आजा मोहिनी, आजा मेरी मोहिनी, आजा आजा आजा, आजा संभल के आजा आजा आजा। मोहिनी और बजा मुरली, रघुवीर मुरली मुझे देना, मैं बजाऊंगी। तू बजा जल्दी बजा। तू आंखें बंद कर। आंखें बंद कर लूं? आज ये बदरिया किस पे बरस कर आ रही है? वो रघुवीर है ना, जब देखो पीछे पड़ा रहता है। आज उसकी वो मरम्मत की, क्या वो मेरा कभी नाम नहीं लेगा? अरे क्यों किसी बेचारे का दिल तोड़ती है हरी? तो क्या नैन मिला लूं? नैन मिलाने को थोड़ी ना कह रही हूँ, वो रघुवीर तो है ही पागल। कभी उससे हंस मुस्कुरा दिया करो, बेचारे का दिल बहल जाएगा। अगर गले पड़ गया तो? फिर तो गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा। अरे चंदन भैया, हाँ। अभी तक के मेरा सर चकरा रहा है। देखो तो, हाँ। तुम्हारे मुरली में कोई खोट तो नहीं है? अरे इस मुरली में क्या खोट होगा? अच्छा तुम ये बताओ प्यारे, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी माँ कहती थी 19 बरस की। ओहो, यही तो बात है। तुम ऐसा करो कि इस मुरली में जाके एक और छेद करवा लो, क्योंकि ये जो मुरली है ना, ये 20 बरस वालों के लिए है। अच्छा, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं अभी जाता हूँ नथु बड़ाई के पास। नथु बड़े के पास? हाँ हाँ, ये बातें तुम छोटे नहीं समझोगे, ये बड़ों की बातें हैं। अच्छा, जिसकी बहन ने दर्द दिया उसी का भाई छेद करके दबा देगा। अच्छा नथु भैया, जरा एक बंसरी में छेद कर दे। अरे तू भी बेवकूफ का बेवकूफी है, इस रंधे से भी कभी छेद होता? जा लच्छू के पास चला जा। समझ गया। जय हो लच्छू भैया की। जय हो। जय हो। लच्छू भैया, इस बंसरी में छेद कर दे। अब यार तुम्हारे एक आने की बोली हुई, अब तू कहता छेद कर दे, तेरे बाप का राजा जाफर तो भोगता क्यों? जाता हूँ। जा। अरे छोटू भैया, तेरा भाई तो मुझे काटने को दौड़ता है, तू इस बंसरी में छेद कर दे। अच्छी बल्ली बंसरी है, इसमें छेद लगा कर क्या करेगा? तुझे बस्ती नहीं? अरे बस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोई छोकरी फंसती नहीं है। तू इसमें सिर्फ एक छेद कर दे, फिर समझ ले कि जिसने सुनी मुरली की टांग उसकी फंसी टांग। मैं आगे आगे, छोकरी मेरे पीछे पीछे। मैं आगे आगे, छोकरी मेरे पीछे पीछे। सच? हाँ सच। अच्छा को, मैं छेद तो कर देता हूँ, जैसे तेरा टांग हो जाए तो ये बस्ती मुझे दे देना। पहले मैं बंसी तो तेरे तो दे दूंगा, पहले तू छेद तो डाल दे। छोटे भैया भैया, काम तुम्हारा नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, ये काम हम बुजुर्गों का है। रघुवीर भैया, रघुवीर भैया क्या है? जरा बात तो सुन। बोलो। मैं कर देता हूँ। अरे मालिक, ये खाट आज उल्टी कैसे होगी? बात ये भैया, काम करते करते आदमी का दिमाग गर्म हो ही जाता है। वैसे हम यारों के यार है, हमको तुमसे प्यार है। हम पहले बंसरी में छेद तो कर दे। बड़े भैया, लच्छू तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। समझ गया, जब बाप समान बड़ा भाई जिंदा है तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? रघुवीर जी आइए। रघुवीर जी आइए। अरे वाह मालिक, तेरी लीला अपरंपार है। बैठता हूँ भैया। हाँ। एक काम करना। करूंगा। जब तुम्हारा काम हो जाए, हाँ। ये मुरली मुझे दे देना। दे दूंगा। ये अभी बच्ची। बड़े भैया, इस घर में आपके बाद मैं पैदा हुआ था, मेरा भी ख्याल रखना। जैसे मैं घर में पैदा ही नहीं हुआ। अरे बेवकूफो, मुझे तुम दोनों का ख्याल है। जा वर्मा ले। ला बेटा ला। मैं क्या लाऊं? रघुवीर जी उठिए, छेद कर दूं। भैया हमारे सामने करो ना। ये लो, कर दिया सुराख,
अब बजाओ रघुवीर जी। बजाओ ना, बजाओ ना। सोच लो, बुरा मत मानना, बजाओ ना। जम के बजाओ फिर। मैं जम के बजाता हूँ, तुम लोग ऊपर जम। ऊपर जल्दी। अरे बासुरी बजेगी, बासुरी बजेगी, अरे बासुरी बजेगी, अरे बासुरी बजेगी, अरे चौधरी बजेगी। अरे एक मुरली के बदौलत दो दिन मिलते हो तो तुम्हारे पाप का क्या जाता है? तेरे पाप का रे बताना पड़ेगा। और तुम जानते हो सर फाड़ने की सजा क्या है? समझदार है। आए आए मुझे दूध दो, लेकिन लेकिन तुम यहाँ से फूटो और तुम भी यहाँ से छटको। अच्छा। और मोटू तू पतली गली से छटक। चलो चलो, नहीं तो तुम्हारी काली नजर से ये दूध फट जाएगा। जी सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? बंकेलाल सिर्फ धमकी ही नहीं देता जागीरदार साहब, जो कहता है करके दिखाता है। कचहरी जा रहा हूँ कुर्की लाने, दुर्भाग्य से। कमाल है, उस दिन का इतना बुरा मान गए? तो और क्या, आपके हाथ से इज्जत डुटवा कर खुशियां मनाता, लड्डू बांटता, कुछ रुपया आपने दबा लिया और कुछ भीम सिंह डाकू लुट के ले गया दुर्भाग्य से। हटो, ठहरो। क्या मतलब? बरसों की दोस्ती एक दिन की मामूली बात पर तोड़ दोगे? धंधे में दोस्ती नहीं होती जागीरदार साहब। तुम मानो या न मानो, हम तो तुमको अपना जिगरी दोस्त समझते हैं। देखो, हम पर कुर्की लाकर हमारी इज्जत को यूं न उछालो। हम वचन देते हैं कल तक तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। लेकिन इतनी रकम चुकाओगे कहां से? यह मत भूलो बाके, हाथी मारा भी 1.25 लाख का होता है। आओ बैठो। देखो कल तक की मोहलत दे देता हूं। डरो मत, परसों का दिन नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, चलो चलो। याद रखना जागीरदार साहब, बनिया दो ही काम करता है, पहले समझाता है और अगर कोई आदमी ना समझे तो उसे कोर्ट कचहरी जीत कर ले जाता है। याद रखना जागीरदार, मैं तुम्हें एक रोज कोर्ट कचहरी की जीत कर ले जाऊंगा। याद रखना कोर्ट कचहरी भी है, मैं तुम्हें जीत कर लेकर जाऊंगा। एक ना एक रोज याद रखना जागीरदार, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी की जीत कर ले जाऊंगा। और निशाने
तो मैंने कहा वैसा ही बयान देना, समझे? जी सरकार। सरकार ये बात तो साफ हो गई कि खून चंदन नहीं किया है, लेकिन सवाल पैदा होता है क्यों? उसकी बांके लाल से क्या दुश्मनी थी? मेरा ख्याल है हुजूर, चंदन ने बांके लाल से भीम सिंह को गिरफ्तार कराने का इनाम मांगा होगा और उसे इनकार किया होगा। सरकार एक बात कहूं, कल रात मैंने दोनों की झगड़ने की आवाज सुनी। क्या सुना तुमने? चंदन बांकेलाल को धमका रहा था। हाँ हाँ, धमका रहा था, क्या कह रहा था? सरकार वो तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर गोली चलने के बाद चंदन बाहर निकला और मुझे धक्का देकर भाग गया। अच्छा सरकार, मैं जाऊं। नमस्ते सरकार। नमस्ते इंस्पेक्टर सूरी, मुझे इस केस की तफ्तीश खुद करनी पड़ेगी। इस वक्त चंदन कहाँ मिलेगा? बेटा भगवान तुझे सदा सुखी रखे, माँ की कितनी सेवा करता है तू, देखना भगवान तुझे इतना देगा इतना देगा। चंदन देख तो बेटा कौन है। अच्छा माँ। ओ चंदन, राम राम कोतवाल साहब। राम राम। इस बंदूक को पहचानते हो? जी हाँ, ये तो मेरी बंदूक है, लेकिन आपके पास? बहुत भोले बनते हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं। कल रात तुमने इस बंदूक की गोली से बांकेलाल का खून किया। मैंने? ये गलत है कोतवाल साहब, बिल्कुल गलत। हवलदार लगा हाथ कड़ी। नहीं नहीं कोतवाल साहब, आपको धोखा हुआ है, मैं खूनी नहीं कातिल नहीं। क्या हो रहा है कोतवाल साहब? मेरा चंदन खूनी नहीं, इसने किसी का खून नहीं किया, ये निर्दोष है, इसे छोड़ दो, मैं हरगिज़ इसे जाने नहीं दूंगी। माँ जी। बेटा। माँ जी, इसे अदालत में सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा, ले चलो इसे। चंदन, चंदन, माँ, भैया, माँ, चंदन, चंदन, माँ, 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 जानता था तुम एक ना एक दिन जरूर यहां आओगे। अमीरों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी। लेकिन मैंने बांकेलाल का खून नहीं किया, न जाने किसने मुझसे बैर कमाया है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, भेड़ की खाल में भेड़िया, इंसान के लिबास में शैतान, जागीरदार तलवार सिंह। जागीरदार? हां। तुम क्या जानो उन शैतानों की गहरी चालों को? दुनिया का कौन सा गुनाह है जो वो नहीं करते, कौन सा पाप है जो वो नहीं कर पाते? सोने चांदी की चमक दिखाकर कानून और दुनिया वालों की निगाहों को अंधा कर देते हैं, रुपयों की झनकार से लोगों के कान बहरे कर जाते हैं। यहां झूठ और सच की कोई फर्क नहीं है। मैं भी उस सालम जागीरदार की चाल का शिकार हूं। ओह, मैं आज अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम पर गोली चलाकर तुम्हें जख्मी कर दिया था, यही ना? हाँ। तुम्हारी उस गोली की आवाज ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया और शैतान का असली रूप मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। घबराओ नहीं दोस्त, उसने भीम सिंह की दोस्ती देखी है।
दुश्मनी देखेगा तो पनाह मांगेगा। आज मुझे तुम्हारी बातों से यकीन हो गया कि मैं भी उसी जागीरदार की चाल का शिकार हूं। भीम सिंह, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, देवी समान मां चल बसी, और ना जाने इस जालिम दुनिया में मेरी मासूम और अकेली बहन किस हाल में होगी। भैया ने किसी का खून नहीं किया, भगवान भी कितना अन्याय है जो दुनिया के सताए हुओं को और सताता है। मैं दुनिया से लड़ूंगी, भगवान से लड़ूंगी, और अपने बेकसूर भैया को जरूर छुड़ा कर लाऊंगी जरूर। बहना, अब क्या हो सकता है, उसे तो जीवन भर की जेल हो गई। मेरी तरफ देख, मैं भी तो दिल पर पत्थर रखकर बैठी हूँ, मगर मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं जागीरदार के पास जाती हूँ, उसके हर जगह पहुंच, वो बड़े बड़े अफसरों को जानता है, शायद मेरे भैया को छुड़ाते। ये तेरा वहम है, अब जागीरदार भी क्या कर सकता है। मैं उसके पांव पकड़ लूंगी, छोली फैला दूंगी, भीख मांगूंगी भैया के जीवन की, शायद उसे दया आ जाए। धनवानों के पास दया कहाँ रेखा, एक अबला के बेटे आंसू देखकर शायद उसका दिल पसर जाए। माँ की मौत और भाई की जुदाई ने बेचारी को पागल बना दिया है। जागीरदार साहब, अंदर आओ। मैं चंदन की बहन। हम जानते हैं चंदन ने ये बहुत बुरा किया कि बांके लाल का उसने। नहीं नहीं, मेरे भैया ने किसी का खून नहीं किया। हर बहन अपने भाई के लिए यही कहती आई है, मगर कानून गलत नहीं हो सकता, अदालतें झूठी नहीं हो सकती। हम गरीबों की आवाज अगर कोई सुनने वाला होता तो शायद ये भी साबित हो जाता। जागीरदार साहब, मैं अपने भैया की जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ। मेरे भैया को जेल से छुड़ा दीजिए, आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपके पास पड़ती हूँ। नहीं नहीं, उठो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। सच? हाँ, तुम्हारे इन आंसुओं ने एक हलचल मचा दी हमारे दिल में। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान? एहसान किस बात का? इन खूबसूरत आंखों में खुशी देखने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। आओ, चलो मत, हमारे करीब आओ। नहीं आओ। नहीं, नहीं, नहीं। इस हवेली की दीवारों से तुम्हारी चीखों पुकार बाहर नहीं जा सकती। हम चाहते हैं कि तुम्हारी हर सांस हमारे साथ में मिल जाए। जिद न करो, रेखा मान जाओ, मान जाओ। तुम? पिता समान मालिक को अपनी औलाद से यही सलूक करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। गरीब की फरियाद इसी तरह सुनी जाती है, बेसहारा को ऐसे सहारा दिया जाता है। भगवान से डरिए जागीरदार साहब, उसकी लाठी बे आवाज होती है। चल रेखा, गौरी। लूटने की कोशिश की,
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उस कमीने का खून पी जाऊंगा। चंदन पागल न बनो चंदन। कौन भाई ये सुनकर पागल न होगा गौरी, मैं ये जेल की दीवारें तोड़ दूंगा। चंदन चंदन मैं तुम्हारे दिल की हालत को अच्छी तरह समझता हूँ, खून मेरा भी खोलता है, हौसला रखो। नहीं मैं यहाँ रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा, मुझे जाने दो भीम सिंह, यहाँ से जाने दो। इन सलाखों को तोड़ना इतना आसान काम नहीं चंदन, यहां से निकलने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, आज रात को ही। Come on!
करेंगे? मेरे भाइयों ने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? अरे पगली, अपने भाइयों की चिंता तुम मत करो। अरे उनका बाप भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, समझी? अब सहा नहीं जाता, अब और चला नहीं जाता। मैंने उनके लिए सब कुछ सोच लिया है मोहिनी, और करीब आओ, और करीब आओ मोहिनी। मंदले भैया, कम वक्त फायदा उठा रहा है, अभी इसको जूते मार के घर से बाहर निकालते हैं। रघुवीर, कमीने, तुझे हम लात मार के बाहर निकाल लेंगे। अरे तुम क्या मुझे लात मारोगे, मैं खुद ही बाहर निकल रहा हूँ और जाता हूँ थाने। अरे कौन जाता पुलिस स्टेशन से? अरे अब तो सब निशान मिट गए हैं। चल जा। अरे जाता हूँ, तुम लोग शायद ये भूल गए कि गांव वालों को याद है कि मैं 7 दिन से बाहर हूँ, और ये चोट का निशान भी अभी मिटा नहीं, और गवाह भी तैयार है। बोलो हाँ, मैं चला पुलिस थाने। हाय, मर गया। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। अब तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, मैं तुम लोगों को 7 बरस जेल में भेजूंगा। बैठो। अब पटक दिया, छोड़ दो मेरे को, मैं तुम लोगों का अंदर करके चैन लूंगा। भैया जरा शांति से काम लो, हम सबको माफ कर दो, हमें सोचने का मौका तो दो। दिया। बड़े भैया ये शादी तो होगी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, शादी होके रहेगी, बांसुरी का असर हो चुका है भैया। और मोहिनी की शादी के बदले में हम उसे बांसुरी ले लेंगे, फिर हम सब की शादी होगी। पहले बड़ा भाई फिर मंजिला, तेरे को इतनी जल्दी है क्या? मैं क्या होगा? रघु भैया बड़ा, देखो शादी तो हम तुम्हारी मोहिनी से कर देंगे, लेकिन एक काम करना भैया, शादी के बाद ये बांसुरी हमें दे देना। दे दूंगा। एक बात और सुन लो गुरु। बोलो। शादी का खर्चा सब तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग के पास कुछ नहीं है। बोलो। मंजूर? मंजूर है, मैं अभी जाता हूँ जागीरदार के पास और अपना हिसाब चुकता करके आता हूँ। क्यों रे, रेखा का दिमाग कुछ ठिकाने आ गया? नया पंछी पहले पहले हमेशा पिंजरे में फड़फड़ाने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस पिंजरे के सिवा उसका और कोई ठिकाना नहीं, तो उसी कैद में उसे मजा आने लगता है। खूब खूब। और फिर दिन रात ये शेर उसकी जुबान पर होता है। आ गया लुत्फ असीरी में मुझे ऐ सयाद, जुबा कर डाल मगर कैद से आजाद न कर। क्या बात है रामगली, खूब खूब। क्या वाह वाह वाह, क्या बात है। क्यों नहीं कहते? माफ करना सरकार, गलती होगी, मैं जाता हूँ। इतने दिन कहाँ रहा है अब तक, और ये चोट कहाँ से लगी? मालिक, मैं एक लड़की के चिकने चेहरे पर फिसल गया था, मुझे चोट लगी और फिर मुझे उससे इश्क हो गया, बस इसी धंधे में उलझा रहा। इश्क और तू? मालिक, भाई रामकली को अपने पहलू में बिठाकर ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते। तेरी जुबान बहुत चल रही है। मालिक, इश्क बहुत कुछ सिखा देता है। तो दफा हो जा यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मालिक, मुझे भी आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब चुकता कीजिए, जल्दी कीजिए, कि मुझे कुमारपन से तंग आ चुका हूँ, मुझे शादी करनी है। चले जा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। जाता हूँ मालिक, लेकिन गरीब का माल हजम नहीं होगा। जा, जाता है। गधा कहेगा, सब रंग में भंग डाल दिया। कोई बात नहीं, शाम ढलने दीजिए, फिर रंग जमेगा। शाम क्यों, अब भी तो रंगा सकता है। ये रात नहीं है सोने की, ये रात नहीं है सोने की, ये रात नहीं है सोने की, आती है आने दे, ये रात नहीं है सोने की, आ
करतूतों की सजा देने के लिए मेरा जेल से भागना बहुत जरूरी था। कहाँ है रेखा? मुझे पता नहीं है। छोड़ मुझे। पता कहाँ है रेखा? छोड़ मुझे। पता रेखा कहाँ है? मुझे पता नहीं। पता मैंने गोली मार दूंगा। नहीं मुझे मालूम नहीं। ये बुंदा कहाँ गिर गया? उसका जी टांगा रोको, मेरा बुंदा कहीं गिर गया। हवेली में गया होगा बेटी। तुम ठहरो, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। जेवर का घुना बदशगुनी है। मैं हवेली से होकर अभी आती हूँ।
बेटी, मिल गया बूंदा। बूंदा गया भाड़ में, जल्दी से टांगा हको, वहाँ मारा मारी हो रही है, मुझे डर। टांगा रुको रुको रुको, पुलिस पुलिस, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए, चंदन जागीरदार को बुरी तरह पीट रहा है, शायद जान से ही मार डाले। चंदन कहाँ है वो? हवेली में। चलो ड्राइवर जल्दी करो। बता रहे थे, मुझे मालूम नहीं है भगवान के साथ, मुझे मालूम नहीं है, ऐसे नहीं तो मारोगे। साय की तरह पीछा करो, देखना वो किसी मुसीबत में ना फंसे। बहुत अच्छा सरदार। ऋषि काका, ऋषि काका, अबे क्या है? मत संभालो, चंदन डाकू तुम्हारे घर की तरफ चला रहा है। चंदन डाकू? तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम भी मुझे गांव वालों की तरह चोर और डाकू समझते हो काका? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ आदमी समझता हूँ। तुमने खून किया, जेल गए, फिर जेल तोड़कर भागे, वो भी डाकू भीम सिंह के साथ। ये सब शरीफों के ही तो काम है बेटे, और पुलिस तुम्हारी तलाश में है। तुमने जाकर जागीरदार को उसके घर मारा और उसे लूटा, ये सब गलत है, मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, जागीरदार के पास रेखा का पता पूछने जरूर किया था। रेखा का जागीरदार से क्या वास्ता? उसी कमीने ने उसको उठवाया है काका, वो मुझे जेल भिजवाकर रेखा की इज्जत लूटना चाहता था। जिसने तुमसे ये कहा है वह हद दर्जे का झूठा बेईमान और मक्कार है। काका उसे बुरा मत कहो, वो गंगा की तरह पवित्र है, झूठ उसकी जबान पर कभी नहीं आ सकता। अब चाहते क्या हो तुम? जल्दी से चले जाओ यहां से, पुलिस आ गई तो मैं भी धर लिया जाऊंगा तुम्हारे साथ। काका गौरी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। गौरी को भूल जाओ चंदन, वो तुमसे नफरत करती है, और तुम्हारा क्या, आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाओगे। और अगर गौरी की भलाई चाहते हो तो दोबारा इस तरफ कभी मत आना। जाओ, मैं कहता हूं जाओ। कौन था काका?
चंदन आया था। चंदन कहाँ है वो? खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम रखा, आज से चंदन तुम्हारे लिए मर गया। अरे वो चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन तेरे की चला गया। अरे यारों से कब तक बचेगा चंदन? अगर मैंने तेरे घोड़ों के टापों के निशान देखते देखते तेरे ठिकाने तक के नहीं पहुंच गए ना, तो मेरा नाम भी रघुवीर नहीं, जय बजरंग बली। फूल सिंह, इनके डाकू से राजगढ़ तो क्या, आसपास के तमाम लोग थराते हैं। आज रिहाई की खुशी में हमने इनको दावत पर बुलाया। फूल सिंह, यह है मेरा दोस्त चंदन। तुम्हारा दोस्त कुछ उदास मालूम पड़ता है, क्यों, क्या बात है? उदास क्या बात है चंदन, तुम तो गांव वालों से मिलने गए थे ना, समझा तुम क्यों उदास हो। उन गांव वालों ने भी तुम्हारे साथ वही सलूक किया होगा जैसे खूनी डाकू लुटेरों के साथ किया जाता है। हाँ, लड़कियां पानी के घड़े छोड़कर भाग गईं और बच्चे अपनी माओं के सीने के साथ चिपक गए। और तूने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए, मर्द सहम उठे और खौफ की लहर दौड़ उठी। गम ना करो चंदन, ये दुनिया तो है ही ऐसी, यहां किसी के दिल में कोई झांक कर नहीं देखता, किसी के जख्मी दिल पर कोई मरहम नहीं लगाता, यहां अपनों को भी आंखें फेरते देर नहीं लगती। दुनिया बदनाम तो कर सकती है पर प्यार नहीं दे सकती। चंदन, प्यार सिर्फ तुम्हें हमसे मिलेगा, सिर्फ हमसे। क्या तुम्हारी गोरी ने भी तुमसे मुंह मोड़ लिया? उसने भी प्यार से बात ना की? हाल मेरी जिंदगी का मुझे प्यार मिला न किसी का। सुनो हाल मेरी जिंदगी का मुझे प्यार मिला न किसी का। सुनो हाल मेरी जिंदगी का मुझे प्यार मिला न किसी का। बदनाम किया दुनिया ने मुझे और नाम दिया तो आवारा। बदनाम किया दुनिया ने मुझे और नाम दिया तो आवारा। अपनों ने मुझे ठुकरा भी दिया फिर भी मैं नहीं हिम्मत हारा। मैंने तो बढ़ाया हाथ सदा, मैंने तो बढ़ाया हाथ सदा दुनिया की तरफ दोस्ती का। मुझे प्यार मिला ना किसी का। सुनो हाल मेरी जिंदगी
सकता मुझे प्यार मिला ना किसी का। गम को भी लगाया मैंने गले और हंसता रहा हर मुश्किल में। गम को भी लगाया मैंने गले और हंसता रहा हर मुश्किल में। समझा न किसी ने अपना मुझे है दाग यही मेरे दिल में। शिकवा न किया मैंने तो कभी शिकवा न किया मैंने तो कभी। ऐ मालिक तेरी बेरुखी का मुझे प्यार मिला ना किसी का। सुनो हाल मेरी जिंदगी का मुझे प्यार मिला ना किसी का। ओ मुझे प्यार मिला ना किसी का। ओ मुझे प्यार मिला ना किसी का। इसकी दर्द भरी पुकार ने हमारे दिल पर बहुत असर किया है भीम सिंह। इसके दुश्मनों को खत्म करने में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। सरदार हमने जागीरदार दिलावर सिंह के आदमी को पकड़ा है। गोली मार दो। हाँ हाँ मार दो गोली जैसे तुम्हारे बाप का माल है। अरे मैं चंदन का दोस्त हूँ उससे मिलने के लिए आया हूँ। छोड़ दो मुझे। चंदन भैया तुम्हारी बंसुरी ने तो कमाल कर दिया मोहिनी बस में हो गई। कहो कैसा है तुम्हारा जागीरदार? जागीरदार? हाँ। मैंने उस पापी की नौकरी छोड़ दी मेरी तनख्वाह भी नहीं दी बदमाश ने। चंदन भैया अब अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मैं मोहिनी से शादी करके अपना घर बसा लूं। भैया मेरी मदद करोगे ना? चंदन रेखा को ढूंढने में ये आदमी हमारी मदद कर सकता है और गाँव वालों को इस पर शक भी नहीं होगा। जाओ तुम गाँव वापस जाओ और जागीरदार के पीछे लगे रहो। अजी ऐसा पीछा करूंगा जैसे सावन के पीछे भादो। अरे रघु बात सुनो। जाते जाते गौरी के नाम मेरी चिट्ठी तो लेते जाना। हौसला हार बैठे। क्या तुम भी मुझे एक चोर और डाकू समझती हो गौरी? अगर मैं तुम्हें चोर और डाकू समझती तो तुम्हारी चिट्ठी पाकर यहाँ नहीं आती। गौरी। हाँ चंदन मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। चंदन मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम मेरे गांव की इज्जत हो गौरी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊंगा। अपने और तुम्हारे खानदान पर कलंक नहीं लगाऊंगा। चंदन मैं तुम्हें घोड़ी पर चढ़कर बिहाने आऊंगा जैसे हर दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याह के ले जाता है। लेकिन कब? ईश्वर से प्रार्थना करो कि रेखा का जल्दी से पता चल जाए। रेखा का भाई चंदन जेल तोड़कर भाग चुका है। हाय राम। डरो मत हमारे पास आया था रेखा का पता पूछने मगर उसकी वो मरम्मत की है वो मरम्मत। क्या हुआ? कुछ नहीं चंदन को मारते मारते हाथ में जरा मोच आ गई थी। इतना मारा है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा? वो हमारे हथकंडों को क्या समझे। हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि वो हमारे यहाँ डाका डालने आया था। अब वो इश्तहारी मुजरिम है। पुलिस उसकी और उसके साथी भीम सिंह की तलाश में है। मगर हाँ तुम जरा होशियार रहना और रेखा पे कड़ी नजर रखना।
आप फिक्र न कीजिए सरकार। बहुत खूब। अच्छा ये तो बताओ कैसी है रेखा, जरा उसकी सूरत तो देख लो। आइए उस सामने वाले कमरे में बंद है। रेखा क्यों रो रो कर अपनी सूरत खराब कर रही है? मेरे नजदीक है। अभी भी वही दम खमा। इस चार दीवारी में बंद रहकर भी दिमाग ठिकाने नहीं आया। मैं इस चार दीवारी में घुट घुट कर मर जाऊंगी। लेकिन अपने आप को हमारे हवाले नहीं करोगी, यही ना? देखता हूं तुम्हारी ये जिद तुम्हारा कितना साथ देती है। एक ना एक दिन तुम्हें हमारे पहलू में आना ही पड़ेगा। तुम चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल नहीं सुना कि रेखा यहाँ पर बंद है। ओ, अब तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ चल गया। और मैं जानती हूँ तुम चंदन के दोस्त हो, तुम मेरी मदद करोगे? मदद? कैसी मदद? बोलो बोलो। मैं खुद रेखा को इस कीचड़ से बाहर निकाल देना चाहती हूँ, ताकि वो मेरी तरह ये गंदी जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना हो। और फिर तुम चंदन से जाके कह दो कि जागीरदार ने रेखा को यहाँ बंद कर रखा है और उसे उसे यहाँ से लेके जाए। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं रेखा का पता लगाने के लिए तो जागीरदार का पीछा करते 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 यहाँ तक ही पहुँचाऊँ। लेकिन ख्याल रखे, अगर जागीरदार को पता चले कि ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे तुम फिक्र मत करो। क्या कहा? रामकली के कोठे पर? हाँ, मैं अपनी आंखों से वहां देख कर आया हूँ। मैं अभी जाता हूँ वहां पर। मैं जान दे दूंगी, लेकिन जागीरदार को अपनी इज्जत से नहीं खेलने। पगली, पहले हर लड़की इसी तरह कहती है और बाद में जागीरदार के इशारों पर। नहीं, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ से निकल भागना कोई आसान काम नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, मगर जागीरदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आओ मेरे साथ। एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। कहाँ जाना है आपको? मैं बहुत अभागी हूँ, दुखियारी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। फिर भी दूर नजदीक का कोई रिश्तेदार तो होगा? एक मौसी हैं। आप मुझे उन तक पहुँचा सकते हैं? क्यों नहीं,
कहाँ रहती है आपकी मौसी? हनुमान टेकरी में। हनुमान टेकरी? मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपकी मौसी का? धनवती। अरे वो तो हमारे पड़ोस में रहती है। हुजूर, मैं मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग इस तरह नहीं मानोगे। भीम सिंह, रेखा का कहीं पता नहीं चला, ना जाने इन लोगों ने उसे कहाँ छुपा दिया है। चंदन, मैं सच कहती हूँ, मैंने रेखा को नहीं छुपाया। अगर मुझे उसे छुपाना होता तो मैं रघुवीर के हाथों तुम्हें उसकी खबर क्यों भिजवाती? तुम सच कभी नहीं बोलोगी। मैं सच ही बोल रही हूँ भीम सिंह। और अब झूठ भी कभी नहीं बोलूंगी। कालू सरदार, रामकली के साथ साथ उसकी हवेली को भी आग लगा दो, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए कि जो रेखा को छुपाएगा उसके साथ साथ उसके घर को भी राख भी मिला दिया जाएगा। लगा दो। डाकू चंदन सिंह और भीम सिंह गिरोह का हमारे इलाके में दूसरा डाका है। पहले जागीरदार का लूटा गया और अब रामकली मर्डर केस में सिर्फ डकैती ही नहीं, तीन खून हुए हैं और हम अभी तक उनकी हवा नहीं पा सकते। सर, मैं यकीन दिलाता हूँ ये ग्रोह बहुत जल्द हमारे काबू में आ जाएगा। लेकिन कैसे? कुछ पता चलना चाहिए, उसरार मिलना चाहिए। इस सिलसिले में सीआईडी की हेल्प भी ले रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन जागीरदार की फिर दरखास्त आई है कि उसको अब भी जाना खतरा है और उसकी हवेली की निगरानी करने के लिए उसको पुलिस की जरूरत है। इसकी जिम्मेदारी आप पर है। यस सर। मैंने अपने थाने की फोर्स बढ़वाने का ऑर्डर पास करवा लिया है। सर, चंदन सिंह और भीम सिंह की गिरफ्तारी के मुताबिक इनाम के इश्तहारात पूरे इलाके में पेश किए जा चुके हैं। दैट्स वेरी फाइन। काकी, ओ काकी। राजेश बेटा, रेखा। अरे तू यहाँ कैसे? और ये राजेश कहाँ मिला तुझे? मौसी, मेरी कहानी बड़ी लंबी और दुख भरी है। अब तो मुझे तेरे आंचल के साए की जरूरत। पावली, तू रोती क्यों है? ये तेरा अपना घर, तेरे कुटुंब पर जो बाहर टूटा है उसे जानती हूं मैं। तू घबरा मत, मैं जो क्या कहा? रेखा भाग गई है। जिसका मतलब यह हुआ कि चंदन को उस जगह का पता लग गया। जी हाँ, भीम सिंह डाकू के साथ उसने कोठे पर हमला कर दिया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही रेखा भाग चुकी थी और भीम सिंह ने उस्ताद और खारू दोनों को गोली कर दी। चंदन, 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 तुम जाओ। उस डाकू को गिरफ्तार करने का बंदोबस्त मैं करूंगा। मैं जाओ। अच्छा, क्या करूं? क्या करूं? ऐसा चाल बिछाऊंगा कि चंदन डाकू उसमें फंसे ही फंसे। चमिया। जी सरकार। अरे ऐसे कहो, मुंशी दयाराम को हमने याद किया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मुंशी दयाराम, अगर हम तुम्हें नौकरी से अलग कर दें तो तुम और तुम्हारी भतीजी भूखे मर जाओगे। मालिक, आप इस गांव के माई बाप हैं, भला मुझसे कौन सी ऐसी भूल हुई है जो आप मुझे नौकरी से निकाल देना चाहते हैं? भूल तुमसे नहीं, तुम्हारे बड़े भाई से हुई थी, जो सारी जमीन हमारे पास गिरवी रखकर खुद मर गया। जानते हो ब्याज मूल से भी बढ़ गया है। सरकार, मुझ पर दया कीजिए, मैंने तो वो जमीन आपसे कभी नहीं मांगी। हाँ, तुमने तो नहीं मांगी, मगर वो जमीन हम तुम्हें वापस देना चाहते हैं और उसके बदले तुम्हारी गौरी को इस हवेली की रानी बनाना चाहते हैं। लेकिन मालिक, मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं उसकी शादी किसी अच्छे घराने में करूंगा। ओ, तो कि ये घर अच्छा नहीं? कहीं से अच्छा घर इस गांव में और भी कोई है? खैर, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम पे दया करनी चाहिए कि तुम्हारे भाई की जमीन भी तुम्हें मिल जाए और लड़की का बोझ भी तुम्हारे सर से उतर जाए। शायद आप ठीक ही कहते हैं मालिक,
मैं गौरी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन याद रहे हम ना सुनने के आदि नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। आप मुझे उस बेड़े के पल्ले बांधना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। तू तो बाद में जहर खाएगी बेटी। अगर तूने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो ये तेरा बूढ़ा चाचा तुझसे पहले जहर खा लेगा। काका। जब तू इतनी जीती बेटी तो तेरे माँ बाप तुझे इस संसार में अकेला छोड़कर परलोक सधार गए। मैंने तुझे माँ बाप का प्यार दिया, इतना बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि तू जवान होकर मेरी पगड़ी उछाल दे? काका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये अनहोनी मुझसे नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सोच ले बेटी, अगर ये शादी ना हुई तो जागीरदार मुझे नौकरी से निकाल देगा, हम दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। अगर तू जिल्लत की जिंदगी से बचना चाहती है तो उस खूनी डाकू लुटेरे का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मौत उसके सर पे मंडला रही है, ना जाने वो कब पकड़ा जाए और सरकार उसके गले में फांसी का। नहीं, वो ना खूनी है, ना डाकू है, ना लुटेरा, वो तो एक शरीफ इंसान है, एक देवता है। बेटी, शरीफ और देवता लोगों को लूटा नहीं करते, किसी का खून नहीं बहाया करते और पुलिस दिन रात उनके पीछे नहीं रहती। बेटी, काका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं? वो ऐसा नहीं है, मैं उसे नहीं बुला सकती। चंदन को मेरे सामने डाकू और लुटेरा साबित करके आप मुझे जागीरदार से शादी करने पर राजी नहीं कर सकते। तू मेरे घर की इज्जत है बेटी, आज ये मैं अपनी इज्जत तेरे कदमों में रखता हूँ। सोच ले, अगर तू चाहे तो इसे उठाकर अपने हाथों से अपने चाचा के सर पे रख दे या इसे ठोकर मार दे, फैसला तेरे हाथ में है बेटी। शामिल होने आया हूं, लेकिन एक बराती बनकर नहीं, दूल्हा बनकर। यार कैसे होगा? हाँ?
अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो मैं ये जहर की पुड़िया। अब इसकी जरूरत नहीं। चंदन, ये शादी तुम्हारे लिए मुबारक साबित हुई है। रेखा का पता मिल गया। रेखा? मेरी बहन का पता मिल गया? हाँ। कहाँ है वो? अपनी मौसी के पास, हनुमान टीकरी गांव में। हनुमान टीकरी? मैं आज ही जाऊंगा उसे मिलने। और फिर आज राखी का त्योहार भी है चंदन। राखी? ये लो। अरे भाई ये नहीं, कोई अच्छी से राखी दो, मेरे भी ये शहर से आने वाले। अच्छा बाबा ये लो। हाँ बहन, तुम्हारे भाई कहाँ से आने वाले? अरे चंदन डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। अरे भाई ये बड़ा खतरनाक डाकू है, जेल तोड़कर भागा था। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि इसने जागीरदार दिलावर सिंह की बेइज्जती कर दी थी? सुना था भाई, इसने बदला लेने के लिए उसकी बहन को उठा लिया था। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इसे जान से मार दूँ, सारे गाँव वाले दुआएं देंगे मुझे, और मुझे मिल जाए तो मैं 10,000 रुपए का इनाम ले लूँ। तो रोज हंस के मिला करती थी, आज तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं राजेश, तुम मुझसे मत मिला करो। रेखा, क्या बात है? सच सच बताओ रेखा, क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम, गांव में इनाम के जो कागज लगे हैं उस पर जो फोटो है, जानते हो वो कौन है? इसे कौन नहीं जानता, ये चंदन डाकू की तस्वीर है। इसने कई सुहागनों के सुहाग उजाड़ दिए, कई बहनों से भाई छीन लिए, इसका दिन रात लूट मार का ही काम है। अगर कितना जालिम और जलील इंसान है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूं। राजेश, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं इसी चंदन डाकू लुटेरे और खूनी की बहन हूं, तब भी तुम मुझे इसी तरह चाहोगे? क्या कह रही हो रेखा, सच में तुम चंदन डाकू की बहन हो? तो फिर रो क्यों रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। राजेश। रेखा। मौसी, राम राम मौसी। चंदन? हाँ। तू यहां कैसे? मौसी रेखा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। रेखा से तेरा क्या वास्ता? मौसी, मैंने उसकी शादी एक अच्छे घराने से तय कर दी है, परसों उसकी शादी है। रेखा की शादी? रेखा, मेरी बहन। मैं किसी की बहन नहीं, मेरा भैया चंदन तो देवता था और तुम शैतान हो। वो लोगों की इज्जत और माल का रखवाला था और तुम लोगों की इज्जत और माल लूटते हो। वो मरते हुए आदमी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता था और तुम लोगों को कत्ल करते फिरते हो, सुहागनों के सुहाग लूटते हो, बच्चों को यतीम बना देते हो। तुमने अपने खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया, बहन के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जाओ यहां से, मैं कहती हूं निकल जाओ, निकल। अब ठीक यही है चंदन कि तू यहां से चला जा। तूने अपने हाथों ही भाई बहन के प्यार का गला दबा दिया। कितनी बदनसीब है रेखा कि एक भाई के होते हुए भी उसको आशीर्वाद देने वाला कोई ना होगा। मौसी, मैं आऊंगा रेखा को आशीर्वाद देने। तू क्या आएगा? तू तो खुद खूनी लुटेरा और डाकू है, तू खुद पुलिस से छिपता फिरता है। कुछ भी हो, दुनिया की कोई ताकत एक भाई को अपनी बहन की खुशियों में शामिल होने से नहीं रोक सकती। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वेरी गुड इंस्पेक्टर राजेश, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छी खबर लाए हो। हमें सीआईडी में तुम्हारे नौजवानों की जरूरत है, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि चंदन अपनी बहन की शादी में जरूर आएगा? क्योंकि उसकी बहन से शादी मैं कर रहा हूँ, नकली नहीं असली। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सर। हाँ हाँ कहो। हो सकता है चंदन अपनी गिरफ्तारी के वक्त पुलिस से मुकाबला करे और दोनों तरफ से फायरिंग हो। उस सूरत में डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी दुल्हन की सिक्योरिटी का जिम्मेदार मैं हूँ, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है। Thank you.
चंदन किसी भी भेष में यहाँ आ सकता है, इसलिए तुम लोग होशियार रहना। अगर कोई भी आदमी किसी भी भेष में नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, किसी को किसी भी भेष में पकड़ने की जरूरत नहीं, चंदन खुद यहाँ हाजिर है। चंदन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी सलामती है। मैं अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आया हूँ, उसे आशीर्वाद दिए बिना मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। नहीं, हम खुद तुम्हें तुम्हारी बहन के पास लेकर चलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं बंदी बनकर अपनी बहन को आशीर्वाद नहीं दूंगा। चंदन, तीन गिनने तक तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। एक। इंस्पेक्टर साहब, अगर चंदन पर गोली चली तो तुम्हारे हर जवान को भून के रख दिया जाएगा। मेरा हर आदमी तुम्हारे हर जवान के पीछे खड़ा है। कह दो उन्हें के बंदूकें नीचे रखते, और तुम अपनी भी पिस्तौल नीचे रख दो। जल्दी करो। हाँ।